हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिंची बुलबुले। कैसे हैं आप सब? हम सब बढ़िया हैं और आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। 15 दिन की छुट्टियों के बाद अनी के स्कूल रीओपन हो गए हैं, तो उसको आज मैं स्कूल भेज रही हूँ। चल, हाँ क्या हुआ भैया, जा रहे स्कूल? हाँ हाँ, अच्छे लग रहे। फेस्टिवल्स तो हमने बड़े अच्छे से मना लिए और अब वापस घर आने के बाद घर संभलने का नाम नहीं ले रहे, कपड़े ही नहीं संभल रहे हैं। ये एक बैग रखा है जिसमें कि सारे गंदे कपड़े रखे हैं और यहाँ पूरे कपड़े फैले हुए हैं और देखते हैं कि कब तक पूरा मतलब समेटा जाएगा। अनी आ गया, मैं अनी को पिक कर लेती हूँ। अनी आ गया स्कूल से और अनी को वेट रहता है कि केली कब, केली भी बाहर आए, लेकिन केली सो रही है और मेरे राइट आ गया है। तो हटो हटो, देखो गुलाटी गुलाटी राम, ये देखो। केली देख रही थी क्या कर रहे हैं। ये देखो कोको को मैं बोल रही हूँ अनी को कि वर्क कर लो होमवर्क, ताकि फिर हम अपना क्या करें, लर्न वाला जो हमको होमवर्क मिला है वो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन कोको है कि इनको मस्ती चढ़ी है और इनको बस शाम शाम शाम, और विंटर में बहुत ही जल्दी शाम हो जाती है, मतलब बिल्कुल धूप नहीं है अभी भी। लेकिन इनको है कि ये काम कब करेंगे, शाम में। ओहो, केली ने लिया हुआ था, लाओ। देखो केली आ गई। जैसे अनी अपनी कोई चीज केली को नहीं देता है, वैसे केली भी जब देखती है कि भैया ने मेरी चीज ली है तो वो तुरंत मांग लेती है। अगर आप इसके साथ शेयर करोगे तो वो शेयरिंग सीखेगी, और अगर नहीं करोगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमको शेयर करना चाहिए, है ना केली, है ना मेरा बुग्गू। हाँ, ये ले लिया। अच्छा, तो वो इसलिए तो कह रही है कि भैया अपना वर्क कर लो, नहीं तो मैं ही पढ़ लेती हूँ। सारी निकाल ली बुक्स, देखो सारी निकाल के रख दी केलू ने बुक्स। हाँ, जिसको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं वो तो पढ़ नहीं रहा, और जिसका अभी पढ़ने का अभी बिल्कुल टाइम नहीं है वो अपना सारा की सारी बुक्स निकाल के बैठी है। क्या कर रहे हो? ये हमारा छोटू बच्चा हो गया है और छुटकी राम। अनी को करना है लैप सिटिंग और वो कह रहा है कि आपकी बारी है, आप मेरी लैप में बैठो, क्योंकि अनी को लगता है कि अब वो बहुत ही बिग बॉय हो गया है। चलो देखते कितना बिग बॉय हुआ है। अनी बैठ गए और अब मैं देखती हूँ अनी कितना स्ट्रांग हो गया है। अरे मामा, ऐसे लेटो मामा मेरी गोद में। ओ, लेटना इनकी गोद में, यानी कह रहे कि लेटो मेरी गोद में, चलो लेटे हैं। ऐसे कर लो ऐसे, और ऐसे लेट जाते हैं भैया की गोद में। रुको 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 केली, तुम भी आओ। ऐसे लेट जाते हैं भैया की गोद में, ऐसे लैप में लेट जाते। बाद में करेंगे, ठीक है? अरे बेटे वर्क कर लो, वर्क। अबे बाबा, बैक सिटिंग की। अच्छा, के लिए
तो बेटा केली को भी तो देखने वाला कोई होना चाहिए ना, ऐसे ऐसे केली परेशान हो जाती है। मेरा बेबी चलो तुम फाड़ दोगी चलो बेटा पहले बात करो। मम्मा मैं गंदा है, बहुत ही गंदा है ये तो। 1773 मम्मा पेंटर क्या होता है? जो पेंट करता है बेटा दीवार पे। हाँ उसको पेंटर कारपेंटर बेटा जो वुडन वर्क करते हैं, वुड का वर्क करते हैं। कहाँ जा रहा है बेबी? कहाँ? यस दिलशाद अंकल कारपेंटर है वो। उसको अच्छा लगता है ये टाइगर, दे दो उसे खेलने। हाँ टाइगर, रियल टाइगर क्या पीछे ये क्या लगा होता है? ये क्या है इसके? ये स्ट्रैप्स है इसकी। इससे क्या करता है? ये उसके मार्क्स हैं बेटा, ये परमानेंट मार्क्स हैं उसके। अच्छा। इन्हीं से तो पता चलता है कि ये टाइगर है। अच्छा केलू को दे दो। ये टेल है उसकी, ये टेल का डिजाइन है। टेल का? और इसके ऊपर ये स्ट्रिप्स बनी दिया गया। यस जैसे इसकी दे दो उसके ऊपर मत देख। इसके तो पे बना नहीं होती है स्ट्रिप्स। यस इसकी टेल बांध लेते हैं हम। अच्छा जी कहाँ आ गया केली?